हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर गर्ल्स में। आज फिर मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि बताने वाला हूं कि आरआरबी रांची यानी एएलपी रांची का जो है वो उसका एससीआर का डिवीज़न अलॉटमेंट आ गया है, पैनल वन एंड टू। एससीआर का अभी तक कोई भी डिवीज़न अलॉटमेंट नहीं आया था, तो पैनल वन और टू जो आरआरबी रांची का है उसका डिवीज़न अलॉटमेंट आ गया है, जिसमें कि 465 रांची का है, बाकी कोलकाता और मालदा जोन का है। वो जो मैं दिखाने वाला हूँ आप सबको कि कितना है वो सब बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे कि आप आरआरबी रांची के साइट में जा रहे होंगे, वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा कि डिवीज़न अलॉटमेंट का लिस्ट नहीं दिख रहा होगा, और ये भी नहीं दिख रहा होगा कि जो भी आया है डिवीज़न अलॉटमेंट कहाँ है पता नहीं चल रहा होगा। कोई आपको यूट्यूब चैनल वगैरह कहीं से मिल गया होगा तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये ऑफिशियल लिंक से कैसे डाउनलोड करेंगे, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगा, और उसमें से कुछ त्रुटियाँ हैं, गलतियाँ हैं, एरर है, वो भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। और जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है पैनल वन और टू में, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनल टू में, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका पैनल टू में हुआ था और डिवीज़न अलॉटमेंट आया है कि नहीं। वो जस्टिफाई करूँगा, मैं खुद पैनल टू में था और मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है ऑफिशियल लिंक से, और कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना है मुझे। तो जिसका भी पैनल टू में है वो कमेंट जरूर करें ताकि मैं उससे कांटेक्ट कर पाऊँ तुरंत, खुद कॉल करके या जीमेल के ईमेल के थ्रू, जैसे भी हो। तो चलिए दिखाते हैं कि आपको ऑफिशियल लिंक से कैसे डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा क्रोम। तो चलिए मैं क्रोम खोल लिया। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको RRCSCR, मतलब साउथ ईस्टर्न रेलवे। उसके बाद जो आपको ये लिंक मिलेगा पहला, ईस्टर्न रेलवे, हाँ ध्यान रहे कि साउथ ईस्टर्न रेलवे और RRCSCR.co.in, ये वाला ही लिंक टाइप करके आप डायरेक्ट खोल सकते हैं। नहीं तो आप ये भी लिखेंगे कि RRCSCR तो भी पहला लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ सेकंड रुकेगा, खुलने में टाइम लगेगा। ऐसे खुलिएगा, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी पता नहीं चलने वाला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मोबाइल का जो ये डेस्कटॉप साइट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है डेस्कटॉप साइट में, जिसको कन्वर्ट करना नहीं आता वो बताता हूँ। ये जो तीन डॉट है उस पर जाना है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे जाने के बाद डेस्कटॉप साइट, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपका डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपको मिल जाएगा। ऐसे करने के बाद आपको इस तरह का पेज खुलेगा आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे तीन चार चीज़ें दिख जाएगी आपको, अबाउट, नोटिफिकेशन, नोटिस और कॉन्टैक्ट। तो इसमें से आपको नोटिस पर क्लिक करना है। नोटिस पे क्लिक करने के बाद आपका जो ये खुलेगा, वहाँ पे आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैनल 651651 असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेनिंग असिस्टेंट लोको पायलट का है वो डिवीज़न अलॉटमेंट है ये, यहीं पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड हो जाएगा यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैनल 651 ट्रेनिंग असिस्टेंट लोको पायलट। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि क्या है। ऐसा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक किया, अब डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो ये पूछ रहा है डू यू वॉन्ट डाउनलोड अगेन, तो येस, क्योंकि मैंने पहले भी डाउनलोड किया, लेकिन ये आप लोग के लिए डाउनलोड करके बता रहा हूँ। हो क्यों नहीं रहा, एक मिनट, फिर से मैं इसको क्लिक करता हूँ। वो लिंक पे आप करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। शायद मेरा पता नहीं नेट स्लो होने की वजह से डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, और इसमें क्या गलती है वो बताता हूँ मैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मतलब आरआरबी कोलकाता और मालदा है, उसमें कोई करेक्शन नहीं है। बाकी जो आरआरबी रांची है उसमें थोड़ा सा गलती है, क्या मिस्टेक हो गया मैं इस प्रिंट में मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 12/9/2019 को जो पैनल आया है ये वो फर्स्ट पैनल था जो रिवाइज करके आया था, लेकिन यहाँ पे डेट लिखा है 12/9 उसका पैनल का डेट लिखा है, दूसरा पैनल का डेट यहाँ पे लिखा है 30/8। जो 30/8 लिखा हुआ है 30/8 वाला ही पैनल है, मतलब जो इसको रिवाइज करके 13 सितंबर को आया था वो ये वाला है, और बाकी जो सेकेंड पैनल जो आया था फ्रेंड्स ये उसके लिए ये है, ये सेकेंड पैनल के लिए एक यहाँ पर है और बाकी तीन जो बचा ये यहाँ पर है। टोटल 139 स्टूडेंट का हो गया है डिवीज़न अलॉटमेंट, यहाँ इसको काउंट कर लीजिएगा, बाकी 44 आप काउंट कर लीजिएगा यहाँ पे, तो 139 हो जाएगा यहाँ 139, मतलब सबका डिवीज़न अलॉटमेंट हो गया है। लेकिन इसमें आप पता नहीं लगा पाएंगे कि आपका कौन सा चक्करधरपुर मिला है या आपको आद्रा मिला है 139 वाला, या फिर क्योंकि पैनल वन जिसका आया है पैनल वन में तो उसका सियोर है कि सबका यहाँ पे वो 326 में 326
का चक्करधरपुर मिल गया है। बाकी कुछ लोगों को, 44 लोगों को मिला है सेकंड पैनल में, वो आद्रा मिला है। बाकी जो लोग बचेंगे उन लोग को चक्करधरपुर मिला है। तो उसके लिए आपको लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आप दोनों में से कहाँ हैं, लेकिन ज़्यादा चांस है कि जिसका कम, कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी आप देखिए, 10-15 दिन में तो आ ही जाएगा आप सबका ज्वाइनिंग लेटर, तो उसका वेट करिए और देखिए। उसमें उससे पहले अगर इन लोग नाम के साथ डिवीज़न अलॉटमेंट, डिवीज़न का नाम लिख के वो PDF अपलोड करते हैं तो आपको पहले जानकारी मिल जाएगा, और अगर नहीं करते हैं तो उसके थ्रू तो आपको मिलने ही वाला है। थैंक यू गाइज। अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जिस भी फ्रेंड्स का आपका सिलेक्शन हुआ है पैनल 1 या पैनल 2 में, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और जिसका पैनल 2 में सिलेक्शन हुआ था वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ सच में बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, और कुछ कुछ बताना भी है, तो वो लोग प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू गाइज। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसी तरह मैं वीडियो लेके आते रहता हूँ, तो इसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।